जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ अब ऑडिबल है, ये डिस्टॉर्शन तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल राइट, सो हम बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, और अपने गेस्ट स्पीकर और जो भी इस सेशन में मौजूद हैं जिन्होंने आज अपना टाइम निकाल के इस सेशन को ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपको गाइड करता चलूँ इस सेशन के बारे में। बेसिकली ये जो सेशन है, एक चेन हम सेशंस की कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी जा रही है कि जब वो पास आउट हो जाते हैं या वो और दे आर इन द लास्ट सेमेस्टर्स एंड दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर करियर और थिंकिंग अबाउट देयर करियर, तो उस हवाले से हम सीवी राइटिंग से हमने स्टार्ट किया था कि कैसे एक बेहतर और इफेक्टिव सीवी हम लिख सकते हैं जो कि बेसिकली फर्स्ट प्रेजेंटेशन है किसी भी एम्प्लॉयर के सामने आपकी। सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पहले प्रेजेंट किया जाता है और देन आपको उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो सीवी कैसे ऐसा लिखा जाए कि आप नेक्स्ट प्रोसेस में एंटर हो सके। फिर हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो जॉब नहीं करना चाहते और वो खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सो उस हवाले से हमने सेशन किया। देन जॉब हंटिंग स्किल्स के ऊपर कल सेशन किया और आज हम बात करेंगे उस सेशन उस करी के नेक्स्ट सेशन पे जो के है इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में। सो टुडे टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड टू गाइड दैट हाउ इंटरव्यू मे बी टेकन और कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सर राशिद सलीम साहब जो ऑलरेडी बहुत से सेशंस करवा चुके हैं बहुत सारे इदारों के साथ, इंक्लूडिंग कासिम अली शाह फाउंडेशन, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और इसी तरह बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे वो मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच और डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में गाइड करते हैं। और ये सेशन जो है ये एक कंप्लीट एफर्ट है बाय ऑल द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग, इसी तरह प्रिंसिपल साहब और वर्दी वाइस चांसलर जिन्होंने इन सब का अप्रूवल दिया। सो उन सब की हेल्प और सपोर्ट के साथ हम इस काबिल हुए कि हम आपको इन लाइन और ऑन बोर्ड ले सकें और आपकी बेहतरी के लिए और इसी तरह हमारे इदारे की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें। सो फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इन्वाइट करूँगा राशिद सलीम साहब को कि प्लीज़ वो आए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें कि कैसे इंटरव्यू के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। Over to you, Rashid sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर है उसकी पूरी टीम, उसके तमाम ऑफिशियल्स का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इनवाइट किया और कुछ जो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है वो शेयर करने का मौका मिल रहा है आप स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा देखें, ये जो इंटरव्यू है ये बेसिकली जो आपने सीवी राइटिंग की वर्कशॉप अटेंड की थी उसी का पार्ट टू आप इसे कह सकते हैं। रीज़न ये है कि जब आप सीवी सेंड करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामेट्रिक टर्म यूज़ होती है कि आपका सीवी मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरता है, एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, उसके बाद आप इंटरव्यू तक कैसे जाते हैं, तो उस स्टेज पे जब आप जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो आपने सीवी में दी थी वो स्टिल बड़ी यूज़फुल है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको जहन में रखना, उसकी बेस पे चलना ये ज़रूरी है। अच्छा स्लाइड इसमें ऐड कर दें। तो चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि जी मटेरियल जब आप बोल रहे होते हैं तो सिर्फ हमें बोलने की तो समझ आती है, बात स्टूडेंट्स नोट टेकिंग नहीं करते, तो मैंने इस दफ़ा जो स्लाइड्स हैं ना वो सारी इसमें ऐड कर दी। तो आप साथ साथ स्लाइड्स भी देखते जाएं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है वो मैं देता जाऊँगा। मैं इसे स्टार्ट करूँगा एग्जैक्टली जो सीवी है वहाँ से, यानी सीवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगा। मैंने आपको ये बताया था कि सीवी आपका एक मार्केटिंग टूल है,
आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब आप खुद किसी एम्प्लॉयर के सामने मौजूद नहीं है तो सीवी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो करवाता है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे, जिस तरीके से देंगे, उसी तरीके से आपको भी परसीव किया जाएगा। अब बात हमने की थी 7 सेकेंड्स ऑफ लक की, कि ये जो 7 सेकेंड्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि आप सीवी से अगले मरहले पे जाएंगे, सीवी आपका एक्सेप्ट होगा या उसको उसी जगह पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 7 सेकेंड्स ऑफ लक को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, एक 5 सेकेंड्स ऑफ लक थी और दूसरा 2 सेकेंड्स थे। 5 सेकेंड्स में यहाँ कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ इंफॉर्मेशन को, जो एम्प्लॉयर है या रिक्रूटर है या जो आपका सीवी असेस करने वाले मेंबर्स हैं, वो आपका नाम देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, इंस्टीट्यूट को समटाइम्स देखा जाता है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो देखा जाता है कि किन इदारों के साथ है, किस पोस्ट पे और कितने अरसे के लिए आपने काम किया, तो 5 सेकेंड्स में ये असेसमेंट हो जाती है। और जो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स हैं उसमें जो न्यूमेरिक्स हैं, उसमें जो बोल्ड जो उसमें आपने कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें आपने कुछ मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ आपने परसेंटेजेस मेंशन की हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 300+ आवर्स, 60+ एम्प्लॉयज़, 7%, 6 एम्प्लॉयज़, तो ऑटोमेटिकली ये आई कैचिंग डेटा होता है। तो 2 सेकेंड्स में जो एम्प्लॉयर है वो इन चीज़ों को देखते हैं और यूं 7 सेकेंड्स में या तो वो उसको ओके कर दिया जाता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वंस आपका जो सीवी है वो एक्सेप्ट हो गया और आप इंटरव्यू के मरहले तक पहुंच गए, तो अब कुछ तैयारी ऐसी है जो इंटरव्यू से पहले की जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान आपने उनका ख्याल रखना है और कुछ चीज़ें जो है वो इंटरव्यू के बाद की। तो अगर हम बिफोर इंटरव्यू फेज जो है उसे फोकस करें, तो आपने सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देना है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो ब्लाइंडली नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या है, इसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कौन लोग हैं, इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसकी मार्केट क्या है, इसके फ्यूचर वेंचर्स किस तरह के हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, क्या ये किसी एक शहर में काम करती है या नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और उसका एक बेहतरीन तरीका जो है वो एक तो उसकी वेबसाइट है और दूसरा उसकी कोई भी रिसेंट जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर भी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये जानने का फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके बारे में कुछ नो हाउ हो जाएगी, उसमें जो की पर्सन हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, बल्कि आप अगर इंटरव्यू में जब उसको ख़त्म कर लिया जाता है तो फिर आपको भी समटाइम्स एक मौका दिया जाता है कि आप कोई सवाल करना चाहें। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने स्टडी किया होगा तो यकीनन आप कुछ ना कुछ सवाल भी, अच्छे सवाल जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपने अपना फोकस सीवी या रिज्यूमे के ऊपर रखा, जो कुछ इंफॉर्मेशन आपने सीवी या रिज्यूमे में दी थी वो आपको याद होनी चाहिए, वो आप जो है वो उसके बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो आप इस पोजीशन में हो के जवाब दे सकें। तो ऑलमोस्ट सारी जो कहानी है वो उसके गिर्द ही घूम रही होती है। जाहिर है उसके अलावा भी कुछ सवाल होते हैं और वो एंड पे मैं शेयर भी करूँगा, लेकिन मेन फोकस आपका सीवी या रिज्यूमे के ऊपर ही होता है। आपने होमवर्क करना है जी, अपना अपनी जो प्रैक्टिस है वो करनी है इंटरव्यू देने से पहले, उसकी प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। दो चीज़ें याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक कंटेंट और एक जो आपका मेथड ऑफ डिलीवरी है। आपका कंटेंट स्ट्रांग है, आप
तीन से पांच साल में आपने क्या किया? कोई जॉब की, कोई डिग्री आपने हासिल की, कोई ट्रेनिंग्स ली, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, और अगले तीन से पांच साल में आपके प्लान्स क्या हैं? ये पूरा जो कंटिन्यूम है ये आपको अजबर होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए या आपने एक्सप्लेन करना है। आमतौर पे जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। अल्फाज हो सकता है मुख्तलिफ हों लेकिन जो क्वेश्चन है मोर और लेस यही पूछा जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिकॉज के जो पहला इम्प्रेशन आपका यहाँ पे बन जाता है और जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं जिस तरीके से आप देते हैं तो वो मैटर करता है, फिर आपका जो इंटरव्यू है वो उसके मुताबिक ही आगे चलता है। अब इसका जो जवाब आपने तैयार करना है इसमें 4 W's इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हु आर यू, आपने अपना तारुफ करवाना है। अच्छा देखें, तारुफ करवाने में ही आप एक डिस्टिंक्शन जो है वो ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्लेन वर्ड्स में कहते हैं आपका जो भी नाम है, माय नेम इज राशिद सलीम, ये भी एक तारुफ है, और आप कहते हैं कि माय नेम इज राशिद सलीम एंड आई एम अ टीचर, ये भी एक तारुफ है, और आप कहते हैं माय नेम इज राशिद सलीम एंड आई एम अ सिंपथेटिक फीलर, ये भी एक तारुफ है। तो देखें आप अपने बारे में अगर एक दो अल्फाज जो है वो कह सकें जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये एक ज्यादा अच्छा तारुफ समझा जाएगा। दूसरा आपने बताना है विच फील्ड यू आर इन, आपका प्रोफेशन क्या है, आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप एक बिजनेस के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये भी आपके जवाब का एक हिस्सा होना चाहिए। और सीवी में हमने इसे नाम दिया था USP का, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि क्यों आप दूसरों से अलग हैं, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको दूसरों से बेहतर बनाते हैं, और इसके साथ साथ व्हाट बेनिफिट्स यू में ऑफर टू द कंपनी, आप कंपनी के लिए किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये चार सिंपल जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, लेकिन इन चारों पे आपको काम करना पड़ेगा। होमवर्क जो मैंने कहा था वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा। जब आप इन पे काम करेंगे, इसके जवाब आप ढूंढेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आप उसको अच्छे तरीके से डिलीवर भी कर सकेंगे। अब प्रिपरेशन का जो तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, सबसे पहले तो आपने लिखना है ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अबाउट योर सेल्फ, तो इसे आपने लिखना है। जब आप इसे लिखेंगे तो जाहिर है कि उसमें चेंजेस भी हो सकती हैं, वो एक आपने रफली उसे लिखा है, ड्राफ्ट किया है, लेकिन उसके बाद आप उसे इम्प्रूव करें, जहाँ पे वर्ड्स बेहतर आ सकते हैं वर्ड्स को बेहतर करें, ये चीज़ देखें कि इसका जो जवाब है बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो। आमतौर पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको 30 से 60 सेकंड्स के दरमियान इसे जो तैयार करना होता है, इसका जो ड्यूरेशन है आंसर की वो इतनी होनी चाहिए। आपने इसे 5 से 10 दफा लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, याद करने का बेहतरीन तरीका। फिर आपने दूसरों के सामने, अपने फैमिली के सामने या दोस्तों के सामने जो है, या अगर कोई भी मौजूद ना हो तो मिरर के सामने खड़े होके आप इसे दोहराएं, बार बार प्रैक्टिस करें, फिर इसको आपने रीराइट करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करना है, ताकि जब आप जवाब दें तो आप उसके दरमियान में रुके ना, आप भूल ना जाएं, ऐसा ना लगे कि आप अपने बारे में नहीं बता रहे, आप किसी दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में कोई बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ बताता है ना तो वो उसमें फ्लुएंसी होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो रुकता नहीं है, वो उसमें अटकता नहीं है, झिझकता नहीं है, भूलता नहीं है। अच्छा, जब आपने अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र करना है, और याद रहे कि ये अचीवमेंट्स आप ऑलरेडी सीवी में या रिज्यूमे में मेंशन कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सीवी में हमारे पास स्पेस बहुत लिमिटेड थी, मैंने आपको बताया था कि सीवी के केस में बहुत ज़्यादा हो तो 2 पेजेस और रिज्यूमे हो तो 1 ही पेज होना चाहिए। अब वहाँ पे आपने जो अचीवमेंट्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिखी होती हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपके पास एक टाइम होता है, आपके पास एक मौका होता है कि उन्हीं अचीवमेंट्स को आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकें।
तो बुलेट पॉइंट्स को जब आपने डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वो एक स्टोरी का फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें आप सबसे पहले वो प्रॉब्लम या सिचुएशन बताएंगे जो आपने फेस की, फिर आप बताएंगे कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एक्शन लिए और उस एक्शन के बाद क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स या आउटकम्स जो हैं वो सामने आई। तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही आपकी एक अचीवमेंट थी। मिसाल के तौर पे आप बता सकते हैं कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे या इंटर्नशिप पे थे तो उसमें सेल्स जो है वो डिक्लाइन में जा रही थी। अब ये एक प्रॉब्लम है, तो आपने जब उसको स्टडी किया, प्रीवियस सेल्स क्यों ज़्यादा थी, अब क्यों कम हो गई, मार्केट में क्या ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं, तो फिर आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया, या अगर आप एक्शन नहीं ले सकते थे तो आपने कोई तजवीज़ दी, कोई सजेशन दी, और जब उस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए और कंपनी जो है उसको किस तरह से आपने फायदा पहुंचाया, तो ये भी एक अचीवमेंट है। इस तरीके से एक स्टोरी की शक्ल में जब आप बताएंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू के दिन पे आ गए तो इंटरव्यू देने जाना है आपने, तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना। सबसे पहले तो आपका जो अराइवल है वो इन टाइम होना चाहिए। इन टाइम से मुराद ये है कि अगर आपका इंटरव्यू 11 बजे है तो आप 10 से 15 मिनट पहले चले जाएं। बहुत पहले जाना ये भी गलत है और लेट होना तो बहुत ही गलत है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि 10 से 15 मिनट में आप अपनी प्लेस पे पहुंच जाएं, वहां पे जाके अपने आप को कंफर्टेबल करें। अगर आप वॉशरूम जाना चाहते हैं यूज़ करें, मुंह हाथ धोना चाहते हैं मुंह हाथ धोएं, फ्रेश हो जाएं और बैठ के कुछ गहरे सांस लें ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल जल्दी जल्दी में जो जाने वाली बात है वो गलत होगी, आपका इंप्रेशन भी गलत जाएगा। फिर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लेके आने, उसके लिए आप एक फाइल या डोजियर जो है वो कैरी कर सकते हैं जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, उसकी कॉपीज भी हों। सीवी या रिज्यूमे की एक्स्ट्रा कॉपीज हमेशा साथ रखनी चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि ऑलरेडी आपने सीवी सेंड तो किया था, स्टूडेंट्स या तो कॉपी साथ रखते नहीं या एक आध कॉपी रख लेते हैं। अब होता क्या है, उसका फ़ायदा और नुकसान बता रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू के लिए रूम में जाते हैं तो आपके सामने एक पैनल बैठा होता है जिसमें 6 या 7 अफराद जो है वो मौजूद होते हैं। अगर आपके पास सीवी की कॉपी और उनमें से एक के सामने जो उस पैनल को लीड कर रहे हैं उनके सामने तो आपका सीवी पड़ा होगा, बाकी लोगों के सामने हो सकता है ना हो। अगर आपके पास कॉपीज मौजूद हैं तो आप हर मेंबर के सामने अपना सीवी रख सकते हैं। फायदा उसका ये होगा कि वो आपसे आपके सीवी के अंदर से क्वेश्चंस पूछेंगे जिसकी तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आप सीवी की कॉपीज प्रोवाइड नहीं करते तो फिर हर मेंबर जो है वो आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, तो इररेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। उससे बेहतर ये होगा कि आप अपना जो सीवी है वो सबके सामने रखें ताकि उसी में से सवाल किए जाए। हैंड बैग या फोल्डर मैंने बता दिया, एक डोजियर आपके पास होना चाहिए। आपकी जो ड्रेसिंग है ये बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए बिकॉज के सवाल या जवाब तो बाद में आपसे किए जाएंगे, सबसे पहले तो आपकी जो एक लुक है वो नजर आएगी उन्हें, तो वो आपको जब देखते हैं दूर से तो आपके बारे में एक तासुर या परसेप्शन जो है वो उनके जहन में आ जाती है कि आप बहुत कैजुअल हैं या आप बहुत फॉर्मल हैं या आप इनफॉर्मल हैं या आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, वेल ड्रेस्ड पर्सन हैं, या आपने जस्ट इंटरव्यू को एक बहुत लाइट लिया और वैसे ही आप उठ के आ गए। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो फॉर्मल ड्रेसिंग है अब इसके ऊपर अलग से एक सेशन भी होता है। जनरली बताता चलूं कि फॉर्मल ड्रेसिंग से मुराद है उस ऑर्गेनाइजेशन को देखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट है वो किस तरह का लिबास पहनते हैं। तो यूजुअली जो अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आपको लोग सूट में नजर आएंगे। सूट से मुराद है पैंट कोट, उसके शर्ट टाई, और सूट का जो कलर है ये मैटर करता है। आमतौर पे जो जेंट्स हैं उनके लिए नेवी ब्लू कलर या ग्रे कलर जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इसी तरह ख्वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोक या बहुत ज़्यादा जो फैंसी किस्म के जो ड्रेसेस हैं उनसे बचें, फैंसी स्टफ नहीं होना चाहिए। मेल हजरात के लिए भी है,
ज्वेलरी कोशिश करें कि अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम हो। मेकअप जो है ख्वातीन अगर वो करती हैं तो लाइट मेकअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनली इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आपकी जो अपेयरेंस है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपके जो नेल्स हैं वो क्लिप्ड होने चाहिए, एक अच्छा तासुर जाता है। आपका जो अगर आप शेव करते हैं तो प्रॉपरली शेव करें। अगर बियर्ड हैं तो बियर्ड जो है वो अच्छी फॉर्म में नज़र आनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इंटरव्यू से 4 से 5 दिन पहले जो मर्द हज़रात हैं वो एक हेयर कट करवा लें, तो 4 से 5 दिन के बाद उसकी जो लुक है ना वो एक फ्रेश और अच्छी लुक आती है। ट्रिम्ड हेयर्स जो है ये अच्छी प्रोफेशनल लुक देते हैं। आपका जो बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, कूल एंड काम आप नज़र आएँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा परेशानी में नज़र ना आए, टेंस नज़र ना आए। और सेल फोन जो है इसका ख्याल रखें, या तो इसे ऑफ कर लें या साइलेंट पे कर लें। याद रखिएगा कि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपके मोबाइल पे कॉल आ जाती है और उसकी रिंग जो है वो सबको सुनाई देती है तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन जो है हो जाएगा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आपने रूम में दाखिल होना है, जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा है पहले आपको वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा। अच्छा, वेटिंग एरिया के बारे में भी याद रखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे आपकी तरह। अब जाहिर है कि हर एक बंदा जो है वो क्वालिफाइड है, हर एक का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, और कुछ लोग जो है वो बातें कर रहे होंगे, कुछ खामोश बैठे होंगे। आपने किसी की बातें सुन के परेशान नहीं होना कि भाई इतने लोग मौजूद हैं तो पता नहीं मेरा हो गए। देखें, एक तो अल्लाह ताला के ऊपर आपका जो ईमान है वो होना चाहिए, दूसरा जो आपने तैयारी की और आपने जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आपने रिलाई करना है। तो खामोशी से बैठ जाएं और अपने आप को रिलैक्स रखें और सिर्फ पॉजिटिव जो है वो सोचें, इधर उधर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई कमरे में दाखिल हों तो कॉन्फिडेंस के साथ हों और आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप जाएंगे इंटरव्यू की टेबल तक आप पहुंचेंगे तो वहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं वो आपसे सीनियर्स हैं, वो आपसे ऊपर हैं मरतबे के हवाले से। आपने खुद से हैंडशेक नहीं करना। बाद सब हम गलती ये करते हैं कि हम जाते हैं और खुद से हाथ आगे बढ़ा देते हैं, ये गलती है। जो हैंडशेक है ये सीनियर का राइट है। अगर वो हाथ बढ़ाते हैं तो आप भी उनसे हैंडशेक करें, अगर उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया तो आप भी हाथ ना मिलाएं, सिर्फ वर्बली जो है वो ग्रीट करना ही काफ़ी होगा। फिर जब आप गए उस वक्त तक आपने बैठना नहीं है जब तक कि आपको चेयर ऑफर ना की जाए, जब आपसे कहा जाए फिर बैठें। बैठते हुए आपने अपना जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रखना, लेकिन रिलैक्स्ड होना चाहिए। बिल्कुल चेयर के एज पे नहीं बैठना, बिल्कुल आपने पीछे टेक लगा के गिर के नहीं बैठना, बल्कि एक अच्छे तरीके से जो है वो पॉजिटिव जो आपका जेस्चर है वो नज़र आना चाहिए। आपका आई कॉन्टेक्ट जो है ये बहुत मैटर करता है। जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो मौजूद रहना चाहिए। अगर पैनल मौजूद है आपके सामने तो पैनल में, मैंने आपको बताया कि जो पैनल के हेड हैं वो सेंटर में बैठते हैं, तो अगर वो कोई बात करते हैं तो आप उनकी तरफ देखेंगे। अगर पैनल के बाकी मेंबर्स जो कि उनके राइट या लेफ्ट पे होते हैं उनमें से कोई बात करता है तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा उनकी तरफ इंक्लाइन करके, आई कॉन्टेक्ट डेवलप करके, फिर आप उनकी बात सुनेंगे और उन्हें जवाब देंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन है उसमें 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, तो इसलिए जो अल्फाज आप कह रहे हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस कम है और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जाहिर कर रही है वो 93% इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना। आप एक बात को कह रहे हैं जी मैं फलां काम भी कर सकता हूँ, मैं फलां काम भी कर सकता हूँ, या मैंने ये अचीवमेंट्स हैं मेरे, और ये बात कहते हुए आपकी आवाज़ में लर्जिश भी है, आपके चेहरे पर घबराहट भी है, आपका आई कॉन्टेक्ट भी मिसिंग है, आपके जो हाथ हैं उसमें भी शिवरिंग हो रही है, या आप मुसलसल अपने पाँव जो है वो हिला रहे हैं, टांगे हिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अल्फाज हैं उनके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कंसिस्टेंट नहीं है।
तो जो आप बात कह रहे हैं वो ज्यादा चांसेस हैं कि गलत है, इसलिए आपने जब बात करनी है तो उसको अप्रोप्रिएटली करनी है। फिर ये पॉइंट के सीवी में जो कुछ मेंशन है वो आपने रिमेम्बर रखना है, बिल्कुल ये ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से किए जा सकते हैं। आपने जहां पर आप करंटली जॉब कर रहे हैं, जो आपके करंट एम्प्लॉयर हैं और जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर थे, उनको किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं करें, बल्कि कोशिश करें कि उनकी कुछ ना कुछ तारीफ ही करें, कुछ अच्छे पॉइंट्स ही बताएं। इसी तरह बहुत अर्ली आपने सैलरी या टाइमिंग्स या बेनिफिट्स के बारे में बातचीत नहीं करनी। अपने बारे में जब बात करनी है, ऑनेस्टी के साथ बात करें, झूठ मत बोलें, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आजी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जो रियलिस्टिक वे है उसके साथ चलें। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो प्लेन यस या नो में आंसर नहीं देना, बल्कि आपने उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी देना। मिसाल के तौर पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप लाहौर में रहते हैं, अब इसका जो एक आंसर यस के साथ में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप उसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर दें, ये एक आपकी तरफ से हम्बल होने को जाहिर करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि जी सर मैं लाहौर में जोहर टाउन में रहता हूँ, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा अच्छा आंसर है एज कम्पेयर टू यस के। आपने अपना जो पेशेंस है समटाइम्स वो टेस्ट किया जाता है, आपसे कोई अब्रप्ट क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, आपसे कोई ऑफेंसिव क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, आपको कोई रूड बिहेवियर शो किया जा सकता है, तो आपने उसके लिए डिस्करेज नहीं होना। समटाइम्स पैनल जानबूझ के आपको उस तरफ लेके जाता है कि वो आपका जो बिहेवियर है, टेम्परामेंट है, वो चेक कर सके। और एक इंटरव्यूज की टाइप, उसे कहते हैं बिहेवियरल इंटरव्यूज हैं, कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप किस तरह से बिहेव करेंगे। जब भी कोई बात करें तो मुख्तलिफ जो सिचुएशंस जब आप बता रहे हैं, तो आप ये भी बताएं कि उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या लर्न किया, तो ये चीज एक पॉजिटिव मैसेज देगी कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक लर्निंग एटीट्यूड है। अच्छा जी, फिर आपसे एजुकेशन और जो दूसरी ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उसके बारे में सवाल किया जा सकता है। याद रखिएगा इंटरव्यू में आपने मेंशन किया था अपनी डिग्री को, इंस्टीट्यूट को, स्पेशलाइजेशन को, और अगर आपका जो सीजीपी अच्छा था तो वो आपने मेंशन किया। इसके साथ आप अपनी जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस या प्रोफेशनल मेंबरशिप्स, उसकी डिटेल्स अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। यहाँ एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, बिलफर्ज आपने मार्केटिंग में स्पेशलाइज किया, तो वाई इन मार्केटिंग, आप फाइनेंस या एचआर या सप्लाई चेन में क्यों नहीं गए? तो ये सवाल भी मुमकिन है। अब अगर तो आपने जब स्पेशलाइजेशन ऑप्ट की थी और वो आपने अपनी मर्जी से की थी, अपने मिजाज को सामने रखते हुए की थी, तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि क्यों आपने वो ऑप्ट किया, क्यों पसंद। लेकिन अगर आपने अंकल के कहने पे, घर वालों के कहने पे, या आपके दोस्त जो हैं जो कि मार्केटिंग में आ गए थे तो आप भी मार्केटिंग में आ गए, या आपको पता चला कि जी फाइनेंस के जो टीचर हैं वो अच्छे नंबर नहीं देते तो मैं मार्केटिंग में चला जाऊँ, अगर ये रीजंस थी तो इसका जवाब आपको सोचना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज के ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है, बल्कि आप सिर्फ वो हालात के मुताबिक जो पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके मुताबिक ही आप उसे फॉलो करते जा रहे हैं। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपने रेलेवेंट एक वर्क एक्सपीरियंस जो है ना उसको जाहिर करना है। ये मैंने बताया था कि आपने हमेशा ट्रेडिशनल जॉब टाइटल्स जो सबको पता हो, अगर आप कोई ऐसा नया जॉब टाइटल ढूंढ के ले आते हैं जो पैनल में से किसी को भी नहीं पता, तो वो उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे, उससे रिलेटेड सवाल भी पूछेंगे, और अगर आपने कहीं की गलती की तो आप फंस जाएंगे। वर्क गैप्स जो हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। अब ये एक्सप्लेनेशन इंटरव्यू में होगी, ये सीवी के अंदर मुमकिन नहीं थी, कि अगर आपने एक जॉब की तो उस जॉब के बाद आपका 2 साल का गैप क्यों आया, या आपने एक जॉब की तो 6 माह फारिग क्यों रहे। तो ये वो जवाब हैं जो आपने इंटरव्यू के दौरान क्लियर करने होते हैं कि मैं घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा था,
या मैं कोई बिजनेस कर रहा था, या मैं मुल्क से बाहर था, या मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, या मैं कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो कर रहा था। और कोशिश करें कि जब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे तो जैसे अपने सीवी के अंदर 2 सेकेंड्स याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव मेजर्स बताई थी, परसेंटेज, रुपीज, नंबर्स, फ्रैक्शंस। जैसे आप कहते हैं जी मैंने अपनी कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा किया, तो ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जिसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। इसी चीज़ को अगर आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी कंपनी के जो सेल्स हैं उसमें 2% का इजाफा किया 6 माह के अंदर, तो अब ये एक सॉलिड स्टेटमेंट बन गई, ये एक कॉन्क्रीट अचीवमेंट जो है वो बन जाएगी। या आप कहते हैं कि मैंने अपनी कंपनी के लिए जो है वो 1 मिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट मैं लेके आया, या आप कहते हैं कि मैंने अपनी कंपनी के लिए 0.3 मिलियन जो है वो सेव किए, या आप कहते हैं कि मैंने 15 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सुपरवाइज किया। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो एक अच्छा तासुर देंगे और अंडरस्टैंडिंग जो है वो देंगे। स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में मैंने बताया था कि वो ट्रेड्स, वो करेक्टरिस्टिक्स जो ऑलरेडी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट की जाती हैं। जैसे एम्प्लॉय को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हर बंदा ये चाहेगा, हर बंदा चाहेगा कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑनेस्ट हों, उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो सच बोलें, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो सबके साथ अच्छे तरीके से पेश हैं। तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ट्रेड्स हैं, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड स्किल्स हैं। आपने इन्हें स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में मेंशन नहीं करना, आपने वो चीज़ मेंशन करनी है जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर मार्केटिंग में, आप कहते हैं कि जी मैं मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है उसमें मैंने सर्टिफिकेट भी किया है और मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं एनालिसिस जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो कर सकता हूँ, या आप कहते हैं कि जी मार्केटिंग रिसर्च में प्रपोजल कैसे डेवलप करना है ये मैं कर सकता हूँ, तो ये एक सही मानों में आपकी स्किल्स या एबिलिटीज के अंदर आएगा। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो बाज़ दफ़ा आपसे कहा जाता है कि आप अगर कोई सवाल करना चाहें, इन्हें फॉलो अप क्वेश्चंस कहते हैं, तो अगर आपने होमवर्क किया होगा कंपनी के बारे में, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी आपने, तो फिर ही आप फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो पैनल है इंटरव्यूअर्स का, या अगर एक है तो सबका शुक्रिया अदा करना है, और फ्यूचर के लिए आपने जो है फ्यूचर कॉन्टेक्ट में इंटरेस्ट शो करनी है कि मैं इंटरेस्टेड हूँगा, मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं काम करूँ कंपनी के साथ जो है वो आगे चलूँ। अब ये जो पूरा फेज है इंटरव्यू का, इसको अगर आप 3 मिनट्स में, क्योंकि ऑन एवरेज जो इंटरव्यू है, अगर तो आप गए हैं और उन्होंने आपसे नाम पूछा और आपको थैंक यू बोल दिया तो इसका मतलब है कहानी खत्म हो गई, लेकिन नॉर्मली जो इंटरव्यूज हैं वो 2 से 3 मिनट जरूर चलते हैं अगर वो सीरियसली इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो 3 मिनट्स हैं उनको मैं अलग अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो मिनट है वो उस वक्त शुरू होता है जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपका टाइम शुरू हो जाता है, और जब आप थैंक यू कहते हैं और उसके बाद वापस जाते हैं तो आपका टाइम खत्म हो जाता है। इस पूरे फेज में पहले मिनट में देखें वो क्या चीज़ नोट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी अपेयरेंस है, क्योंकि जब आपने दरवाजे से एंटर होना है तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी जो अपेयरेंस है वो सामने नजर आ जाएगा। फिर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो देखे जाएंगे, आपका आई कांटेक्ट देखा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, और आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो पहला जो मिनट है वो डेडिकेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड मिनट में, चूंकि अब आप बोलना शुरू कर चुके होंगे, आपने कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे, तो आपका जो रेट ऑफ स्पीच है, आपका वॉल्यूम है, आपकी पिच है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसको देखा जाएगा। और जो थर्ड मिनट है आपका, उसमें आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से आंसर किया है, आपने इंटरव्यू का क्लियर किस तरह से किया, लास्ट मोमेंट्स क्या थे, आपने शुक्रिया अदा किया या नहीं किया, आप वहाँ से वापस किस तरीके से गए, इन तमाम चीज़ों को थर्ड मिनट में
ऑब्जर्व किया जाता है और हर चीज़ जो है उसकी एवेल्युएशन हो रही होती है। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि एवेल्युएशन का पैटर्न क्या रखा जाता है। बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 93% इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ऑनलाइन चूंकि ये सेशन हो रहा है, ऑनलाइन में फिजिकली तो मुमकिन नहीं होगा कि आपको वैसी चीज़ करके दिखाई दे, अदरवाइज जो मेरे फिजिकल सेशंस होते हैं उसमें बाकायदा ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो एक्ट्स हैं, इनको परफॉर्म करके दिखाया जाता है। आपने एंटर कैसे होना है, नॉक कैसे करना है, बैठना कैसे, चलना कैसे, आई कांटेक्ट कैसे होगा, पॉज कैसे देना है, खामोश कहाँ होना है, डिले कहाँ करना है, जल्दी कहाँ करनी है, ये सारी चीज़ें। बहरहाल यहाँ मैं कोशिश करूँगा जिस भी हद तक एक्सप्लेन कर सकूँ। होल्डिंग द डोजियर, तो डोजियर से मुराद वो फाइल है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सीवीज की कॉपीज हैं। देखें, आपने जो डोजियर है इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ना जब आप अंदर जाएंगे। रीजन उसकी ये है कि अगर आप राइट हैंड में पकड़ेंगे तो आपसे अगर वो हैंडशेक करते हैं तो आप जल्दी जल्दी में उसको दूसरे हाथ में मुंतकिल करेंगे लेफ्ट हैंड पे, फिर राइट हैंड से आप हैंडशेक करेंगे तो आपकी पोजिशन डिस्टर्ब होगी। आप पहले से उसे लेफ्ट हैंड में पकड़ें। आपने एंटर होने से पहले दरवाजे को हल्का सा जेंटली नॉक करना। नॉक करने से मुराद जेंटली ये है कि आप जो टिप ऑफ योर फिंगर है उसके साथ नॉक करेंगे, आपने दरवाजे को बहुत ज़्यादा जोर से नहीं खटखटाना। जब आप एंटर हुए इजाज़त मिलने पे, तो अब आपने सामने देखना है जो आपके आपका पैनल है, जिस टेबल पे वो बैठे हैं उनके साथ आपका एक फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट होगा और उसके साथ ही आपके चेहरे पे खुद ब खुद एक स्माइल आनी चाहिए। फिर आपने मूव करना है टेबल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ से आपके जो असेसमेंट है ना वो सही मामले में शुरू हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा कि दरवाजे से जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं वहाँ से जो टेबल है जहाँ पे आपने जाके बैठना है, जहाँ पे ऑलरेडी पैनल मौजूद है, उसका जो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, उतना ही ज्यादा खौफदारी हो जाता है। अगर दरवाजे के करीब ही है तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं होगी, मसला नहीं आएगा, लेकिन जितना वो दूर होगा उतना ही खौफ जो है वो तारी हो जाएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये मरहला होगा, ये इम्तहान होगा, वो आपको वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, उतने ही मार्क्स भी आपके कम होते जाएंगे। इसीलिए जो बड़े अदारे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आप कभी देखें तो वो अपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं वो मीटिंग रूम्स के अंदर करते हैं। मीटिंग रूम्स उनके बहुत बड़े हॉल रूम होते हैं और उसके बिल्कुल आखिरी किनारे पे आखिरी जो दीवार होती है उसके साथ पैनल का जो टेबल है वो मौजूद होता है और आपका दरवाज़ा बहुत दूर होता है जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, तो आप वहाँ से जब चलते हुए आते हैं तो आपको ऑब्जर्व किए जाते हैं। लिहाजा आपने मूव जो है वो एक मुनासिब तरीके से मूव करते हुए जाना है। अच्छा, आपका जब फर्स्ट आई कांटेक्ट हो गया ना दरवाजे के ऊपर ही, उसके बाद आपने आई कांटेक्ट खत्म कर देना। ये नहीं है कि आप उनकी तरफ देखते हुए जा रहे हैं और बिल्कुल सीधे भी चलते जा रहे हैं। उसकी रीजन है कि जब आप उनके साथ आई कॉन्टेक्ट डेवलप्ड रखेंगे और एकदम से जाके टेबल के पास रुकेंगे तो वो अच्छा तासुर नहीं जाएगा। आपने आई कांटेक्ट, और ये भी हो सकता है कि आप रास्ते में किसी चीज से टकरा जाएं तो वो ज्यादा एम्बेरसमेंट जो है वो क्रिएट करेगी चीज। इसीलिए बेहतर ये है कि आप फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ, आपके चेहरे पे स्माइल आई, उसके बाद आपने फर्श की तरफ देखना है और चलते जाना है। जब आप टेबल के पास पहुंच जाएंगे फिर दोबारा से आपका आई कॉन्टेक्ट होगा, फिर आप उन्हें ग्रीट करना है, सलाम करें, ग्रीट करें, जैसे भी। फिर आपने वेट करना है। अगर वो आपसे हैंडशेक करते हैं तो एक अच्छा फर्म हैंडशेक जो है जिसे एक प्रोफेशनल हैंडशेक कहते हैं वो होना चाहिए, और अगर वो हैंडशेक नहीं करते आपको वो बैठने का इशारा करते हैं तो अब आपने चेयर जो है उसके ऊपर बैठना है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि चेयर को बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना पीछे की तरफ, आपने स्लाइटली जेंटली उसको ड्रैग करना है कि उसकी आवाज़ ना आए, थोड़ा सा उसे अपनी तरफ करें, उस पर बैठ जाएं और अपने आप को एडजस्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रैग करेंगे, बहुत कैजुअली उसे ड्रैग करेंगे, आवाज़ आएगी और आप उस पर बैठ जाएंगे तो ये अच्छा तासुर मिल जाएगा,
ये चीज फील ये शो करेगी कि आप ज्यादा रिस्पेक्ट गिविंग एटीट्यूड नहीं रखते। इसी तरह जब आपने बैठना है तो चेयर को आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपकी बॉडी और जो टेबल है उसके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए। बहुत ज्यादा टेबल के करीब भी नहीं होना कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं करना है कि आप पूरे के पूरे जो है वो कैंडल के सामने विजिबल हो जाए। तो आपका जो अपर पोर्शन है, अपर हाफ है, ये विजिबल होना चाहिए। फाइल को आपने, जो डोजियर आपके पास है या कोई और बिलोंगिंग्स हैं, वो आपने अपनी लैप में रखनी है, गोद में रखनी है, उसको फ्रंट टेबल पे बिल्कुल नहीं रखना। याद रखिएगा जो फ्रंट टेबल है डेट बिलोंग्स टू द इंटरव्यू पैनल, उस पे कोई भी चीज रखेंगे ये गलती है, ये ऑफेंसिव मूव। आपके जो हैंड जेस्टर्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जब आप बात करें तो उस बात को अपने हाथों के जरिए, अपने एक्सप्रेशंस के जरिए सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज रटी हुई है या खबरें सुना रहे हैं, आप बिल्कुल साकिन हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा जो हाथ है हिलाना वो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर जब आप किसी की भी बात सुनते हैं तो बात सुनते हुए हल्की सी नोडिंग होनी चाहिए। नोडिंग से मुराद है कि थोड़ा थोड़ा आप सर को हिलाएंगे जैसे आपको बात समझ आ रही है। जहां पे ये तासुर देना हो कि आप बात पे गौर कर रहे हैं वहां पे आप साकिन हो जाएंगे। आपकी जो आईज हैं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो बता रहे होंगे कि आप की बात को गौर से सुन रहे हैं। जहां पे खामोश होना है, कुछ सोचना है, तो वहां पे सोचने का तासुर जाना चाहिए। अच्छा, शुरू में जो अच्छी कंपनीज हैं जी, वो शुरू में एक रिलैक्सिंग क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। जैसे वो आपसे पूछते हैं कि जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, आप आसानी से पहुंच गए थे, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या मौसम कैसा है बाहर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए, ताकि आप कुछ टाइम ले लें, कुछ स्पेस मिल जाए और आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस जो है उसको बहाल कर लें। अच्छा, आपसे आपकी वीकनेसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। अब यहां पर हम दो तरह की गलतियां करते हैं। एक गलती ये है कि आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप एक मिस्टर परफेक्ट हैं या मिस परफेक्ट हैं और आपने किसी तरह की कोई वीकनेस कभी हुई नहीं। और दूसरी तरफ आप इतने ज्यादा आजी इख्तियार कर लेते हैं कि दुनिया भर की जो गुनाह हैं और कमजोरियां वो अपने खाते में डाल देते हैं। ये दोनों तरह के जो बिहेवियर्स हैं वो गलत है। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टैक्टफुल होना पड़ेगा। यानी आपने ऐसी वीकनेसेस बतानी है जो प्रोफेशनली वीकनेसेस कंसीडर ना की जाए या उस कंपनी के लिए एटलीस्ट उसे अच्छा ही समझा जाए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, ये मेरी वीकनेस है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बाज दफा मैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही असाइनमेंट के ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगा देता हूँ, इतना ज्यादा फोकस कर देता हूँ कि उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि बाकी जो मेरे असाइनमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। साथ को एक एक आध एग्जाम्पल भी दे दें। जैसे आप कहेंगे जी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के पेपर में एक जो पहला क्वेश्चन था मुझे बहुत अच्छा आता था, तो मैंने उस क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगा दिया कि जो बाकी चार क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने थे उसके लिए टाइम कम बचा, तो मुझे जल्दी जल्दी में वो करना पड़े, मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है। अब आप देखें, आपने बड़े अकलमंदी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपनी एक वीकनेस बता दी, लेकिन उसको आपने एक स्ट्रेंथ के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवा दी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मैं कुछ सुस्त हूँ डिसीजन मेकिंग में, ताकि जो डिसीजन मैं करूँ वो गलत ना हो जाए, लेकिन मैं टाइम लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे भी आपने अपनी एक वीकनेस तो बताई, लेकिन उसको एक स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो रैप करके आपने बता दिया। तो इस तरीके से आपने अपनी कुछ वीकनेसेस जो रियल भी हैं, ये नहीं है कि सर ने ये सेशन के अंदर बताई थी तो सारे बंदे यही दो वीकनेसेस बता रहे हैं, वो रियल टर्म वीकनेसेस भी हों। उसके लिए ये जरूरी होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी के असेसमेंट करें, आपको अपने जो स्वॉट एनालिसिस है, पर्सनल स्वॉट एनालिसिस,
उस पे भी मैं सेशन पे बात किया करता हूँ इंशाल्लाह, किसी वक्त उस पे बात करेंगे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है इनका पता होना चाहिए और वही आपने अच्छे तरीके से बताना है। फिर आपने ये भी बताना है कि इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं, आपने कोई उसके लिए इनाम या सजा रखी हुई है कि जी अब आइंदा मैंने अगर इस चीज़ ये गलती की तो मैं अपने आप को ये सजा दूंगा। वो सजा फाइनेंशियल टर्म में हो सकती है, अपने आप को इतना जुर्माना डालूंगा वो सदका कर दूंगा, और अगर मैं इस काम को ओवरकम करूंगा तो मैं अपने आप को एक ट्रीट दूंगा, मैं अपने आप को एक शवारमा या रैप जो है ना वो खिलाऊंगा। तो इस तरह के जस्ट फॉर फन जो है वो आप बता सकते हैं। जब आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है तो उसके साथ उसका एविडेंस भी देना जरूरी है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं हार्ड वर्किंग, बल्कि साथ कोई एग्जाम्पल अटैच करें कि मैं बाई नेचर हार्ड वर्किंग हूँ और मैंने फ्ला मौके पर इतने जो है वो घंटे काम किया, या मैंने एक ही टाइम पे जो है मैं पढ़ता भी था और उसके साथ मैं जॉब भी करता था, या मैं पढ़ता था और ट्यूशंस भी देता था, तो ये हार्ड वर्किंग होने का एविडेंस भी बन जाएगा। या मैं मल्टीटास्किंग जो है उसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं एक तरफ एमबीए कर रहा था, दूसरी तरफ मैं कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो कर रहा था या प्रोग्रामिंग सीख रहा था, और तीसरी तरफ मैं अपनी जो फैमिली है उसको भी देख रहा था। तो जो भी आप कर रहे हैं वो आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपका एक पैटर्न जो है ना वो इंटरव्यू पैनल के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। बाज दफा आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं क्विक एंड रैंडम, यानी मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब ऐसे सूरत में जवाब भी आपके जल्दी जल्दी होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, जिस तरह से वो बोल रहे हैं वैसे जवाब भी होना चाहिए। और अगर वो आपसे ठहर ठहर के या डिटेल्ड और लेंथी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर वो डिमांड करते हैं आपसे कि आप भी उसके डिटेल और आराम से जो है वो जवाब दें। ये अगर बिल्कुल उलट हो जाए तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वो आपसे रैंडमली और क्विक क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप बड़ा ठहर के सांस लेके पॉजेस लेके सोच समझ के उसके जवाब दे रहे हैं तो वो इरिटेट होंगे इस चीज़ से। और अगर वो आपसे डिटेल्ड और लेंथी क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप उसका आंसर जो है वो एक आध लाइन में जवाब दे के खामोश होकर बैठ जाते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक साइलेंट पॉज आ जाएगा। वो आपकी तरफ देख रहे होंगे, आप उनकी तरफ देख रहे होंगे, एक साइलेंस आ जाएगी, इसे साइलेंट पॉज कहते हैं। और साइलेंट पॉज जहां भी आ जाए कम्युनिकेशन में एक वीकनेस समझा जाता है। बाद सफा वो आपसे ट्रिकी या बिहेवियरल क्वेश्चंस करेंगे, पहले भी इसमें मैंने बात की, तो वहां पे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक आपने जवाब देने। ऑप्टिमिस्टिक रहना है जी, आपने किसी भी मरहले पे जो है वो अपना कॉन्फिडेंस भी अपनी जो होप है उसको भी कम नहीं होने। अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए बासबा पैनल जो है उसके सामने चाय कॉफ़ी जूसेस वगैरह मौजूद होते हैं या कुकीज़ हैं वो मौजूद होते हैं वो आपको ऑफर करते हैं तो आप उन्हें विद अ स्माइल और विद अ थैंक्स आप रिफ्यूज़ कर दें, कोशिश करें कि आप ना खाएं। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर एक बिस्किट उठा के खाते हैं तो बिस्किट खाते हुए वो उसके जो ग्रेन्स हैं वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, कपड़ों पर गिर सकते हैं, फिर आप उन्हें झाड़ेंगे, फिर आप खाते हुए जब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका टेम्पो खराब करेंगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं तो वो फाइल के अंदर मौजूद है, फाइल जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए उसे खोल के फाइल को प्रॉपरली उनके सामने रखें और इंडेक्स फिंगर के साथ मेंशन करें जो भी वो चीज़ या इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करें जाते हुए। और जब आपने जाना है तो जो चेयर जिस पे आप बैठे थे, जिस पोजीशन में मौजूद थी, उसको उसी पोजीशन में आपने छोड़ के जाना, आपने उसको वैसे उठ के चले नहीं जाना। अगर आप उसको घुमा के उठें तो उसको दोबारा उसके पोजीशन पे सेट करें, उसको आगे या पीछे, लेकिन जेंटल वे में ये सारा कुछ होना चाहिए। मोस्ट फियर्ड क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनसे हम डरते हैं, वो आमतौर पर दो तीन होते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपकी एजुकेशन या एक्सपीरियंस के बारे में हो रहे होते हैं। एक तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और मैंने इसकी डिटेल आपको शुरू में बताई कि 30 सेकंड्स से 60 सेकंड मैक्सिमम उसका एक इंट्रो तैयार करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपने जवाब देना है। इसी तरह से
आपकी जो ग्रेटेस्ट वीकनेसेस क्या है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि ऑनेस्टी के साथ बताएं, लेकिन ट्रिकी वे में। एक सवाल जिस पे आप फंस सकते हैं वो है आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी। तो याद रखिएगा कि हमने इस सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, न्यूली हम मार्केट में आए हैं, तो ये अभी हमारा वो लेवल नहीं है कि हम इस तरीके से जवाब दे सकें। लेकिन आपसे अगर वो फोर्सफुली पूछते हैं कि आप बताएं, तो उसके लिए कुछ तरीके मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इस पे देख सकते हैं। आपने एक तो उनसे पूछना है कि जी सर या मैडम, आप क्या रेंज ऑफर कर रहे हैं, या आपके यहाँ नॉर्मली क्या सैलरी ऑफर की जाती है इस पोस्ट के लिए, क्या पैकेज दिया जाता है, या आप पहले से जो कि कंपनी के ऊपर कुछ आपने स्टडी की, आपने रिसर्च की, आपने अगर मार्केट को विजिट किया है, दोस्तों से पूछा है, सीनियर्स जो है उनसे पूछा है कि इस पोस्ट के लिए जो इनिशियल सैलरी है वो क्या दी जाती है, तो कुछ रिसर्च बेस्ड हो सकता है। कुछ आपने निगोशिएशन जो है वो भी प्लान करनी, और निगोशिएशन के लिए प्लानिंग इस तरीके से होती है कि कंपनी वाले आमतौर पे जो ऑफर करना चाह रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो 20,000 कह रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास जो फाइनल रेंज है वो 25 है, तो 20 से वो स्टार्ट करेंगे और कुछ निगोशिएशन आ सकती है। इसी तरह आपने जब अगर निगोशिएशन करनी है, तो थोड़ा सा जो आप सैलरी चाह रहे हैं, या आप समझते हैं कि इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी मिलती है, उससे थोड़ा सा बढ़ा के आप बताएं। मसलन अगर आप 22 चाह रहे हैं तो आप 25 बता दें, तो कुछ ना कुछ निगोशिएशन का रूम मिल जाएगा। लेकिन ये वहां पर है जहां पर निगोशिएशन होगी। जो कहते हैं कि हमारे पास तो फिक्स सैलरी है, इनिशियली हम यही ऑफर करते हैं, वहां पे ये वाला पॉइंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। सबसे जो सेफ इसमें आप प्ले कर सकते हैं कि टेल देम अ रेंज। आप उन्हें कुछ ना कुछ रेंज बता दें कि सर मैं खुद तो सैलरी जो है वो बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने कुछ मार्केट में सर्वे किया है, कुछ जो सीनियर्स हैं उन्होंने गाइड किया, कुछ मैंने टीचर्स हैं उनसे रहनुमाई ली, तो मुझे पता चला कि आमतौर पर एक फ्रेश ग्रेजुएट जो MBA है या BBA है, उसको 20 से 25 हज़ार के दरमियान कहीं पे ऑफर किया जाए। तो ये सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि इसमें आपने रेंज बताई है, आपने अपनी डिमांड नहीं बताई। वो अलग बात है कि वो आपको हो सकता है कि उसी रेंज के दरमियान में कहीं पे जो है वो ट्रीट करें। तो इस तरीके से आप उन्हें इसका जवाब दे सकते हैं। जो फीडबैक क्वेश्चंस हैं, जब आपसे कहा जाए कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, तो इसे फीडबैक क्वेश्चंस कहते हैं। आप अगर ये मौका दिया जाए, तो मेरी सजेशन ये है कि जरूर सवाल पूछें, क्योंकि आपका सवाल पूछना एक तो आपके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है, दूसरा ये कंपनी में या जॉब में आपकी इंटरेस्ट को भी जाहिर करता है, और ये भी शो करता है कि आपने कुछ ना कुछ होमवर्क भी किया होगा। जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिस्ट है, आप इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कंपनी में जो ऑरिएंटेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, या आपकी जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, जिसे आप KPIs भी कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो क्या होते हैं, आपके यहाँ परफॉर्मेंस का जो फीडबैक है वो किस तरीके से शेयर किया जाता है, कंपनी में इस वक्त कौन से क्रिटिकल इश्यूज हैं, बड़े ये मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, या इस कोर्स के लिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस तरह के कई सवाल आप पूछ सकते हैं, तो इससे वो खुश भी होंगे और हो सकता है इंप्रेस भी होंगे। इंटरव्यू की जो एवेल्युएशन है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्केल्स के साथ की जाती है। जो क्वांटिटेटिव है उसमें तो आमतौर पर जो स्केल होता है वो 1 से लेके 5 तक होता है। 1 इज अनसेटिस्फैक्ट्री, 5 इज एक्सेप्शन, और 3 इज एवरेज, जहाँ पर भी वो मुख्तलिफ चीज़ों को रेट करते हैं। और इसके साथ वो क्वालिटेटिव कमेंट्स भी देते हैं, अगर वो पैनल है तो हर बंदा अपने अपने कमेंट्स देगा। और ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो दो, उसको आप हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि 3 हिस्सों में कहा जा सकता है। एक तो आपकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, आपकी अपीयरेंस कैसी थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, आपकी कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव थी, और इंटरव्यूअर के साथ आपने किस हद तक कोऑपरेट किया।
और दूसरा आपके जो जॉब रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस जॉब के बारे में आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज कैसी हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा था, किस कंपनी के साथ था, किस पोस्ट पे था, कितनी ड्यूरेशन है, और उस एक्सपीरियंस से आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो कैसी हैं, और इसी तरह से ओवरऑल जो रेटिंग है वो भी की जाती है। तो यूँ एक स्कोर जो है वो डेवलप कर लिया जाता है और फिर उसको फाइनल किया जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ भी प्रैक्टिकली बताना था, वर्बली बताना था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपके साथ दो लिंक्स, में वीडियो आपको यहाँ दिखा नहीं रहा, मैं आपके साथ दो लिंक्स शेयर करूंगा वीडियोस के। एक में आपको जो पूर जॉब इंटरव्यू है वो नजर आएगा, चूंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पढ़ा दी, उसमें आपको नजर आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, बॉडी लैंग्वेज में मिस्टेक कहाँ पे है, ड्रेसिंग में क्या मिस्टेक है, आई कांटेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जवाब देने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और किसी चीज को प्रेजेंट करने में जो है वो क्या क्या गलतियां उन्होंने की। सिमिलरली मैं आपको एक जो गुड जॉब इंटरव्यू है उसकी एग्जांपल दूंगा कि वहां पे जो कैंडिडेट है वो क्यों सक्सेसफुल रहे और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। और फिर 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ, आमतौर पे 20 ऐसे सवालों की लिस्ट है जिसे आप प्रॉपरली तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि वो आप देंगे। ये जो 20 इंटरव्यूज की एक लिस्ट है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छा सीवी बनाएं, अच्छे तरीके से इंटरव्यू जो है वो अटेम्प्ट करें, तो अल्लाह ताला की मदद और आपकी तैयारी शामिल होगी तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। बहुत शुक्रिया। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं सेशन को ओपन करता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं माइक अनम्यूट कीजिए, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। ऑल राइट, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लेट मी जस्ट रीड द कमेंट्स। ऑलराइट, एक क्वेश्चन हमारे पास है जो जिसमें ये पूछा गया है कि क्या सीवी में पिक्चर को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। तो सर मैं आपसे आपकी तरफ एक क्वेश्चन रेफर करता हूँ कि क्या सीवी बनाते हुए या सीवी प्रेजेंट करते हुए उसमें पिक्चर्स ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरी इसमें सजेशन ये है कि आप सीवी में जो अपनी पिक्चर है वो इंक्लूड ना करें। अगर ये आपसे मांगी जाए, एक बार दफा ये होता है कि आप सीवी लिख रहे हैं, सीवी में तो आप ना करें, बार दफा ये होता है कि कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोफॉर्मा होता है जिसमें वो आपसे कहते हैं कि फिल कर दें, और उसके साथ सी जो आपकी कोई पिक्चर है, फोटो है, वो भी चाहिए होती है, वहां पर आप ऐड कर दें क्योंकि वो आप कंपनी स्पेसिफिक है और उन्होंने आपसे डिमांड की है, लेकिन अस खुद ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ऑल राइट, सो आई होप कि आपका आंसर आपको मिल गया। ऑल राइट जी, वाइंड अप करते हैं फिर सेशन को। आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू सर राशिद, जिन्होंने इस वीक में सेकेंड टाइम हमें टाइम दिया। पहले सीवी राइटिंग के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन किया और आज इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के वक्त आपको देखनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन
के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. सो विद दिस थैंकिंग नोट टू सर राशिद, टू कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट काउंसलिंग, डायरेक्टर स्टूडेंट काउंसलिंग, प्रिंसिपल्स एंड वर्थी वाइस चांसलर साहब, आई एम जस्ट साइनिंग इट ऑफ. और कल हमारा सेशन है पर्सनालिटी मैनेजमेंट के ऊपर. ये जो पूरी स्ट्रीक थी इसका आखिरी सेशन इंशाल्लाह कल 12 बजे आपके साथ किया जाएगा. सो आई होप के आप उसको भी ज्वाइन करेंगे और जो गाइडेंस आपको उससे मिल सकती है वो ज़रूर हासिल करेंगे. राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.